श्राद्ध का महत्व, पितरों का आशीर्वाद। श्राद्ध एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भारत में श्राद्ध को बहुत महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ता है और हमें उनकी याद दिलाता है। यह हमारे पुरखों के लिए श्रद्धा और धन्यवाद दिखाने का समय होता है। इस दिन हम अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्राद्ध के जरिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपना आभार जताते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। यही हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। श्राद्ध हमें अपने परिवार और खानदान के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक लंबी परंपरा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यह हमें हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। हमारे पीछे एक लंबी परंपरा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलना चाहिए और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलना चाहिए। श्राद्ध हमें त्याग और समर्पण का भी पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। श्राद्ध हमें त्याग और समर्पण का भी पाठ पढ़ाता है। इस दिन हम अपने पितरों के नाम पर खाना दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस दिन हम अपने पितरों के नाम पर खाना दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। यह दान हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। यह दान हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है। यह हमें हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह दान हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है। श्राद्ध एक पवित्र कर्म है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। श्राद्ध एक पवित्र कर्म है। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलना चाहिए। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। श्राद्ध हमें हमारे परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलना चाहिए। देखे सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र, धर्म का प्रकाश। राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में अमर है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उनके जीवन का हर क्षण सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का उदाहरण था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। वो हमेशा सच का पालन करते थे। उनके निर्णय हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होते थे। उनका हृदय बहुत पवित्र था और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। एक बार देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। इंद्र ने सोचा कि क्या राजा हरिश्चंद्र वास्तव में इतने सत्यवादी और धर्मनिष्ठ हैं। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र के पास भेजा। विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। यह एक बहुत बड़ी मांग थी।
लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे अपना राज्य दान कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को धर्म और सत्य के लिए त्याग दिया। उन्होंने अपना महल, धन, दौलत सब कुछ त्याग दिया। उनके इस त्याग ने उन्हें और भी महान बना दिया। वो अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व के साथ जंगल को चले गए। इस कठिन समय में भी उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। विश्वामित्र का श्राप परीक्षा की शुरुआत। जंगल में भी राजा हरिश्चंद्र को चैन नहीं मिला। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें और भी कठिन परीक्षाओं में डाल दिया। उन्होंने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी हुए। तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व को बेचने के लिए कहा। राजा के लिए यह बहुत बड़ा दुख था। हरिश्चंद्र का त्याग, राजपाट से वनवास। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धर्म के पालन के लिए उन्हें यह कठोर फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। खुद राजा हरिश्चंद्र भी चांडाल के यहां नौकरी करने लगे। उनका काम श्मशान घाट पर मृतकों की रखवाली करना था। रोहिताश्व का बलिदान, पुत्र वियोग का, तारामती की परीक्षा, पतिव्रता, धर्म की ज्योति। रानी तारामती ने जब श्मशान घाट के मालिक से बात की तो वो और कोई नहीं बल्कि ऋषि विश्वामित्र ही थे। ऋषि विश्वामित्र ने रानी तारामती से कहा कि अगर वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहती हैं, तो उन्हें अपनी साड़ी उतार कर देनी होगी। रानी तारामती पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने अपने पति के अलावा किसी और के सामने कभी अपना शरीर नहीं दिखाया था, लेकिन अपने बेटे के लिए प्यार और मजबूरी में उन्होंने ऋषि विश्वामित्र की बात मान ली। सत्य की विजय, धर्म की स्थापना। जैसे ही रानी तारामती अपनी साड़ी उतारने लगी, आसमान में घंटियां बजने लगी। देवताओं ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को गले लगा लिया। देवराज इंद्र खुद आसमान से नीचे उतरे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की तारीफ की। उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। रोहिताश्व भी जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहिताश्व अपने राज्य वापस आ गए। सारी प्रजा ने उनका स्वागत किया। ये की के पेहा। सीख, सत्य और कर्तव्य का मार्ग। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। धर्म का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में जीत